हम मोदी जी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम चाहते हैं वो अपनी जो बहनों को भूल चुके हैं एक बार आके हम लोगों से मिलें और वो जो काला कानून लेकर आए आज के दिन अच्छी खबर दे दें, वापस ले लें। बस हम यही चाहते हैं और हम चाहते हैं वो खूब लंबी उम्र हो उन्हें, क्योंकि आज के दिन हम उन्हें दुआएं देना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी बहनों की दुआओं के साथ अपने हमारा जो काला कानून लेकर आए उसको वापस ले लें और अपने संविधान को बचाने के लिए अगर हम यहाँ बैठे हैं तो कम से कम मिलने तो आ जाएं। तुम्हें नुकसान है, हमें नुकसान है, हमें ना है, हमने तो हमारा झंडा लहरा रहा है और लहरा रहेगा और ना उतरे हमारा हमारा तिरंगा घूम रहा। अब तुम बताओ क्या करो। मोदी जी हमारा बेटा है, हमने जन्म ना दिया तो हमारी बहन ने दिया, मोदी जी ने हम सड़क पर बैठा दिए। अब मोदी जी तुम बताओ अब भी ले रहे हो टाइम है, CAA अनाज से वापिस ले रहे हो, अब भी कुछ ना बिगड़ा, अनाज लेगे तो हम कुर्सी पर से उतारना जाने हैं, उतार देंगे बिस्तर या बांधो और अपने देश जाओ कहाँ के हो तुम। हमें ऐसे ना चाहिए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि एक इंच पीछे नहीं हटेगी। हाँ तो अब देखते रहियो तुम भी और हम भी देख रहे हैं, एक इंच क्या बिल्कुल ही है जाए, बिल्कुल है जाएंगे क्या ना है जाए एक इंच, अब देखते रहियो तुम भी। दिन दूर ना धो रही आज ही, अब तो जब गीदड़ की मौत आ गई तो गाँव में ही भागे, जंगल में को ना भागता गीदड़, अब इनका जाने का ढंग है सारे, ये तीनों ही जाएंगे यहाँ से, एक भी ना रहेगा एक भी इनमें से। जब हमने अंग्रेज भगा दिए तुम चीज क्या हो, देख लीजो अब तुम देख लीजो, सही बोल रहे हैं हम, अब इनका टाइम आ गया हुआ भागने का, बिस्तर बोरा बांधो और जाओ यहाँ से, राज्य से चले जाओ तो और अच्छा, फिर गैर राज्य जाओगे फिर क्या फ़ायदा होगा, जाना तुम्हें अब भी है जब भी है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं हम तो सरकार को वापस दिवा दो, तुम भी राजी हम भी राजी, और जो ना दिवा वापस करवाओगे तो हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, जो अभी तो हमने झंडा ही लहराया, अब तो बाजार बंद करेंगे, जगह जगह सड़क बंद करेंगे। जब पता ना, जब मोदी जी ने पुलिस भेज कर गुंडे भेज कर हमारे बच्चे मारे जामिया में क्या जैनों में, जब मोदी जी कहाँ चले गए, यहाँ ना है मोदी जी, क्या सरकार यहाँ ना है बताओ। हाँ स्कूल जो बाथरूम में बढ़ गई लड़की तो वहाँ से खचेड़ खचेड़ मारी बेइज्जती करी उनकी, जब कहाँ गया मोदी, मोदी के बच्चे होते तो मोदी को पता होता, मोदी क्या पता, मोदी तो रंड मुंडा दिखाएंगे, मोदी जी दिखाओ दसी का फेल है मोदी, अपनी भी तो दिखाओ, मोदी जी दिखा दियो बाद में जब देख जाएगी हमें, जब उसका हमें सही लगेगा तो हम भी दिखा देंगे, और नहीं तो जो तो हम दिखावे ना कागज, हम कागज दिखावे ना किसी आने में भी, क्या गोली मार दियो क्या लाठी उसे मार दियो हमें, हम तो नहीं डरते रहेंगे ना है जंगे। योगी ने बोला कि कितनी लज्जाजनक बात है कि औरतें सड़कों पे आ गई, अभी तो सड़कों पे आई हैं, इंतजार करो भी सड़कों पे मुंह तोड़ जवाब दे रही है, कल को असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और हम लोग उसी को सेव करने के लिए उस पे अभी मतलब उस पे एक धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है जो अच्छा नहीं है, सब सैड है अंदर से, खुशी तो नहीं है, उसी को सेव करने के लिए हम लोग यहाँ सब है आज बैठे हैं, बस वो चाहते हैं कि हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फीलिंग आए कि हमें बदनामी मतलब फील हो अंदर से, हर्ट हो और लोग अंदर घुस जाएं, वो उनका शुरू से टैक्टिस है कि कुछ भी करते हैं वो लोग कि अपनी सारी टैक्टिस वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। देखिए हमारे लिए गणतंत्र दिवस तो है खुशी का दिन है ना, अब इसको आंसू बहा के तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ना कि हमारी तकलीफ है, तकलीफ हमें है लेकिन एक उम्मीद भी है कि हमारी मेहनत कामयाब होगी, हम होंगे कामयाब, ये हम लोगों को यकीन है पूरा, क्योंकि हम लोग आधे रास्ते चल चुके हैं, आधे रास्ते और चलने बाकी हैं, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। और जितने सारे बयान दिए हैं कि आज वो भी उन बयानों को ओन अप करने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि NRC शब्द इसमें कभी जिक्र भी नहीं हुआ, जो क्रोनोलॉजी समझाई जा रही थी और जो जगह जगह जाके धमकाया जा रहा था
कि इस समुदाय को डरने की कोई जरूरत नहीं, बस एक समुदाय का नाम नहीं लिया जाता था और NRC पूरे देश भर में कराएंगे, एक एक घुसपैठी को 2024 से पहले फेंकेंगे, वो सब क्या था? अब आप एक तो एक बात हम लोग पिछले 5 साल में समझ गए हैं, ये सरकार गोल पोस्ट बहुत जल्दी बदलती है। नोटबंदी है, क्या बोला, काला धन वापस आएगा। जब काला धन का वाला भांडा फूट गया, सारा का सारा करेंसी वापस आ गया, तो बोला कैशलेस इकोनॉमी बनेगा, डिजिटल इंडिया की तरफ। अब कैशलेस इकोनॉमी भी सामने आ गया, कैश पे लोग वापस आ गए, तो बोला नक्सलवाद और आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या किया गया था। तो आप एक जगह पकड़े जाते हैं, हम गोल पोस्ट बदलते रहते हैं और उनकी जो पूरी पालतू मीडिया वो तालियां बजाती रहती है कि वाह मोदी जी वाह, कभी पलट के सवाल नहीं करती, ना आतंकवाद रुका, ना नक्सलवाद रुका, ना कैशलेस इकोनॉमी हुई, ना काला धन वापस आया, क्यों की नोटबंदी। तो ये सब लोगों को बरगलाने की वो है, मिसगाइड करने की कोशिश हमको करी जा रही है सरकार द्वारा, हम मिसगाइड नहीं होंगे। आज 26 जनवरी है, 70 साल पहले आज के दिन ही भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में लाया था, हमने अडॉप्ट करा था और आज तक हम उसके आइडियाज़ को अपहोल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आज हम सड़कों पे हैं। We'll be right back.